कक्षा पांचवी विषय हिंदी। हिंदी विषय में आज हम पेटूराम, सुनो और दोहराओ, पृष्ठ क्रमांक 10, इस पाठ का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। पेटूराम, सुनो और दोहराओ। पाठ का परिचय। यह एक विनोदी पाठ है। इसमें बताया गया है कि पेटूराम उपवास के नाम पर कितना खाते हैं। चलिए हम पाठ देखते हैं। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले। और आधा दर्जन केले, एक किलो सेब और एक पाव मेवा, सवा पाव मिठाई। बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। विराम चिन्हों को पहचानो, पढ़ो और समझो। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, अर्ध विराम। एक, अंगूर मिलते हैं? दो, मैं? तीन, आधा दर्जन केले, एक किलो सेब। चार, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। इस पाठ में आए शब्दार्थ भोजन, खाना, उपवास, भोजन का त्याग, कुछ न खाना, संकोच, हिचक, आगा पीछा, कृपया, कृपा करके, केवल यानी सिर्फ, मेवा, सूखे फल। स्वाध्याय। प्रश्न एक, कोष्टक में से उचित पर्याय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक, पेटूराम खाने पीने में टिंब टिंब नहीं करते। पेटूराम खाने पीने में संकोच नहीं करते। दो, पेटूराम एक पाव टिंब टिंब खाएंगे। पेटूराम एक पाव मेवा खाएंगे। तीन, पेटूराम एक टिंब टिंब सेब खाएंगे। पेटूराम एक किलो सेब खाएंगे। चार, पेटूराम आधा लीटर टिंब टिंब पिएंगे। पेटूराम आधा लीटर दूध पिएंगे। पांच, पेटूराम उपवास में टिंब टिंब नहीं खाते। पेटूराम उपवास में अधिक नहीं खाते। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो।
एक, पेटूराम ने कितने अंगूर मंगवाए? उत्तर, पेटूराम ने आधा किलो अंगूर मंगवाए। दो, पेटूराम ने दूध के साथ और क्या मंगवाया? उत्तर, पेटूराम ने दूध के साथ रबड़ी मंगवाई। तीन, पेटूराम ने कौन कौन से फल मंगवाए? उत्तर, पेटूराम ने अंगूर, केले और सेब मंगवाए। चार, पेटूराम ने कितने केले मंगवाए? उत्तर, पेटूराम ने आधा दर्जन केले मंगवाए।